हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सब का मेरे झारखंड के इंडो टेरेस गार्डन में मैं फिर एक बार स्वागत करती हूँ। आज 15 जून है और सवेरे के लगभग 6:45 हो गए हैं। मैं आ गई हूँ अपने गार्डन में। रात में हमारे यहाँ बहुत ज़ोरों से बारिश हुई और तो आज मैं कुछ अपने पौधों का अपडेट दूंगी और दिखाऊंगी क्या क्या चल रहा है। और देखती हूँ कुछ हार्वेस्ट है, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन ओके फ्रेंड्स। और जो भी मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं उन सब को मैं धन्यवाद देती हूँ जो न्यू फ्रेंड्स हैं। अगर और वीडियो देखना चाहते हैं, मेरा हर वीडियो एक दिन के बाद आता है, तो लाइक करते हुए प्लीज़ रेड सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी, ताकि आप सब उनके मोबाइल में मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। चलिए फ्रेंड्स, बाइक कैमरा से दिखाती हूँ। आज 13 जून है और शाम के 6 बजने जा रहे हैं। मैं अपने गार्डन में आ गई हूँ। मैं देखिए यहाँ पर जितने भी ग्रो बैग थे यहाँ रख दी हूँ और उसी में देखिए यहाँ पर जो टमाटर लाई हूँ लगाने के लिए, चलिए लगाते हैं। टोटल 20 ग्रो बैग भर के रखी हूँ, कुछ यहाँ पर है। सबसे पहले तो पानी डाल देती हूँ। मिट्टी मैंने डाल दिया है लेकिन नीचे तक पानी गया ही नहीं है। लगाती हूँ उसके बाद और डाल दूँगी, नहीं पहले छेद बनाती हूँ फिर पानी डाल दूँगी। इसी तरह से सभी को लगा के दिखाती हूँ। आज 15 जून है और सवेरे का यह अपडेट है। सबसे पहले तो मैं दिखाती हूँ उस दिन मैंने जो टमाटर 13 तारीख को लगाई थी मैं दिखा नहीं पाई, तो आज दिखाती हूँ दो दिन के बाद का अपडेट। देखिए कुछ कुछ तो ग्रोथ कर रहा है लेकिन कुछ कुछ जैसे गर्मी से शायद देखिए झुक सा गया है। और देखती हूँ अगर ये देखिए ये भी बिल्कुल झुक गया था, उस दिन शाम में जगाई थी तो शाम तक झुक गया था लेकिन अभी तो खड़ा हो गया है। देखिए लेकिन एक का मर गया है और बाकी का दिखाती हूँ। इससे पहले देखिए इतने मेरे सीड बचे हुए हैं, जहाँ जहाँ मर गया है वहाँ पर लगा दूँगी। और देखिए बाकी यहाँ पर है, वैसे तो सभी ठीक ही दिख रहा है लेकिन कोई कोई जैसे रात में बारिश आई तो पानी के पीटने से नीचे झुक गया है। और देखिए यहाँ पर भी, और चलिए दिखाती हूँ जो मैं शकरकंद लगाई थी किस तरह ग्रोथ कर रहा है। देखिए एक दो और तीन, ये तीनों तो ठीक से ग्रोथ कर रहा है लेकिन दूसरा मुझे ठीक नहीं लग रहा है। और दो मैं लगाई नहीं हूँ अब, इसे इन्हें मैं ग्लो बैग या प्लास्टिक बाल्टी होगी तो उसमें लगा दूंगी जैसे पौधे बनने के लिए। उसके बाद मैं कंद के लिए तो अलग से लगाऊंगी इसी को, इनके डालियाँ तोड़ तोड़ कर।
चलिए और दिखाती हूँ। और देखिए, एक कुंदरू को मैं सोची थी काट दूंगी, लेकिन फिर मुझे इतने सारे इसमें छोटे बेल आ रहे हैं न्यू से, तो मैं नहीं काटूंगी सोच करके खींच कर ऊपर बांध दी। अभी मैं आ जा रही हूँ तो मेरे सिर में नहीं लग रहा है, नहीं तो प्रॉब्लम हो रहा था। और कल ही मैं तेरह तारीख को ही मैं कुंदरू का भी थोड़ा सा हार्वेस्ट की थी। आज मुझे कुछ करेले लग रहे हैं, और देखिए हवा के कारण या नीचे गिर गया है, मैं ऊपर रखी थी, और इसे भी मैं सीधा कर दूंगी और ये करेले हार्वेस्ट कर लूंगी और दिखाऊंगी। दोनों पौधों का हार्वेस्ट करूंगी, ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा सा ही है लेकिन। और चलिए मैं अब सबों को मेरे भिंडी के पौधे दिखाती हूँ। मुझे दो तीन भिंडी आज शायद मिलेंगे, देखिए कितने बड़े से और इतने अच्छे हेल्दी ग्रोथ कर रहा है इतनी गर्मी में भी टेरेस गार्डन में। लेकिन जैसे बरसात आने से पहले का गर्मी के कारण मैं दिखाती हूँ मेरे भिंडी के एक दो पौधों का हाल। देखिए इतने सारे, इतने ज़्यादा गर्मी हुआ कि ये देखिए इसके जितने भी पत्ते देखिए झुलस से गए हैं, और यहाँ का भी मुझे वैसा ही दिख रहा है ये देखिए। और दो तीन चार पौधों के पत्ते इस तरह से हो गए हैं, यहाँ पर भी नहीं तो देखिए जमीन में जिस तरह से रहता है उसी तरह से यहाँ मेरे सभी के सभी भिंडी के प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहे हैं, और मैं हार्वेस्ट करूँगी। देखिए यहाँ पर एक भिंडी है, यहाँ है एक, और मेरी भिंडी का साइज भी मुझे बड़ा बड़ा ही लग रहा है, न्यू प्लांट है इसलिए तीन भिंडी है। चलिए उसे भी हार्वेस्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, और दिखाती हूँ। और चलिए एक ही मेरा बैगन फला हुआ बचा हुआ था, मैं हार्वेस्ट तो कई बार कर चुकी थी, तो एक ही छोटा सा बचा हुआ है, इसे भी तोड़ देती हूँ। और मैं सोच रही हूँ मेरे इस लोबिया के प्लांट को हटा दूंगी, क्योंकि मैंने जब से लगाया है उतनी अच्छी तरह से फ्रूटिंग नहीं हो रही है। और देखिए कुछ फ्रूटिंग हो रहा है लेकिन इसमें बीज ही नहीं बन पा रहे हैं। बर्ड्स तो आ ही रहे थे, फिर भी गर्मी के कारण भी हो सकता है मुझे लगता है, तो इसे मैं हटा के दूसरा कुछ यहाँ पर लगा दूंगी। और मैं सोच रही हूँ तरबूज का भी मैं खाली नहीं की हूँ, हटाई नहीं हूँ। और देखिए यह ककड़ी का प्लांट भी मैं हटा के कुछ और लगा दूंगी। मैं अभी तक मेरे जैसे कुंभड़े में ऊपर बेल आने के लिए नहीं बना पाई हूँ। मैं अपने लौकी के प्लांट को दिखाना चाहती हूँ। देखिए जैसे फ्लावर्स तो आ रहे हैं, देखिए यहाँ पर मैं हर एक प्लांट में देख रही हूँ फ्लावर, लेकिन जैसे केवल फीमेल फ्लावर आ रहा है, मेल फ्लावर अभी तक खिला नहीं है। देखिए छोटा छोटा सा बर्ड तो है, इसीलिए अभी मुझे फ्रूट नहीं मिल पाया है। एक ही फ्रूट बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा, लेकिन बाकी के नहीं बन पाए हैं। और चलिए मैं मेरा भिंडी का हार्वेस्ट करती हूँ। देखिए ओके फ्रेंड्स, कुछ धनिया भी हार्वेस्ट कर लेती हूँ।
चलिए अब मैं कितना हार्वेस्ट की हूँ उसे दिखाती हूँ। ज़्यादा तो नहीं है, कुछ ही है, लेकिन मैं आप सबों को दिखा ही देती हूँ। देखिए, 3 भिंडी है और कुछ करेले, 1 बैंगन और देखिए कुछ धनिया ले रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय, नमस्कार।